हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्विक रिवीजन ऑफ हिस्ट्री सीरीज। इसके अंतर्गत हमने पिछले सेशन में उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना के बारे में जाना था। आज हम उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की। इसके अंतर्गत पहले बात करते हैं कृषि व्यवस्था की। कृषि उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य पेशा बन गई, साथ ही पशुपालन का महत्व भी बना हुआ था। कृषि कार्य हल एवं बैल की सहायता से होता था। जौ के अतिरिक्त अब गेहूं यानी गोधूम तथा चावल यानी ब्रीही मुख्य फसल हो गई। तैतरीय संहिता के अनुसार वर्ष में दो फसलें होती थी। यव को शीत ऋतु में बोकर ग्रीष्म में काटा जाता था तथा चावल वर्षा ऋतु में बोकर शरद में काटा जाता था। इसके अलावा उड़द, तिल, मसूर आदि फसलों की भी खेती होती थी। यजुर्वेद में चावल की 5 किस्मों एवं अथर्ववेद में चावल की 2 किस्मों की चर्चा है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन है, जिसमें जुताई यानी कृषंता, बुवाई यानी बपंता, कटाई यानी लुवंता एवं मड़ाई यानी मिड़नता शामिल है। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा जुताई की चर्चा मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित अनुष्ठानों की चर्चा है। राजा जनक को स्वयं हल पकड़कर खेती करते हुए दर्शाया गया है। इंद्र को भी सुनासिर यानी हलवाहा कहा गया है। हल की नाली को सीता कहा जाता था। प्राय हल का फाल लकड़ी अथवा हड्डी जैसी सख्त धातु से बनता था। एक जगह धातु की चोंच वाले फल यानी प्रवीरवंत का भी उल्लेख है। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप एवं कुल्या का उल्लेख मिलता है। इस समय खाद के रूप में गोबर यानी सकृत और करिष्यु का प्रयोग होता था। अनाज मापने का पात्र उर्दर कहलाता था। छांदोग्य उपनिषद में एक जगह दुर्भिक्ष यानी अकाल का वर्णन मिलता है। इस काल में भूमि दान की चर्चा नहीं मिलती है। अब बात करते हैं पशुपालन की। उत्तर वैदिक काल में गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर आदि पशु पाले जाते थे। गाय की पवित्रता बढ़ती हुई दिखाई देती है। अथर्ववेद में एक जगह गाय, बैल, घोड़े की प्राप्ति के लिए इंद्र से प्रार्थना की गई है। इस काल में बड़े बैल को महोक्ष कहा जाता था। इस समय से हाथी को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। हाथियों की देखभाल करना भी एक व्यवसाय था, इसे हस्तिप कहा जाता था। अब बात करते हैं इस काल के वाणिज्य एवं व्यापार की। उत्तर वैदिक ग्रंथों में व्यापारियों की अनेक श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में उल्लिखित गण और गणपति शब्द का प्रयोग संभवतः व्यावसायिक संगठन के लिए हुआ है। इस समय मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। ब्याज पर धन देने की प्रथा काफी प्रचलित थी। तैतरीय संहिता में ऋण के लिए कुशी शब्द का प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशी दिन शब्द का प्रयोग मिलता है। इस समय कुछ सिक्कों की भी चर्चा मिलती है, किंतु ऐसा अनुमान किया जाता है कि वे नियमित सिक्के नहीं थे। सिक्के के रूप में निस्क, शतमान और कृष्णल का उपयोग होता था। निस्क, शतमान, पाद और कृष्णल आदि माप की विभिन्न इकाइयां भी थीं। निस्क और शतमान 320 रत्ती का होता था। कृष्णल 1 रत्ती या 1.8 ग्रेन का होता था। बाट की मूलभूत इकाई संभवतः कृष्णल थी। रत्तिका एवं गुंजा भी उसी के समान थी। साहित्य में इसे तुला बीज कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में जल तथा स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख है। आइए अब बात करते हैं इस काल के शिल्प एवं उद्योग की। उत्तर वैदिक काल में उत्पादन अधिशेष इतना अधिक नहीं था कि उन्नत अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सके, क्योंकि अभी भी कृषि में दासों को नहीं लगाया जाता था। वजसनयी संहिता में तैतरीय ब्राह्मण से पता चलता है कि इस समय कुछ शिल्प विकसित हो गए थे, जैसे धातुकर्मी, स्वर्णकार
रथकार, चर्मकार, जुलाहे, रज्जुकार, मछुहारे, लुहार, सूत, कुंभकार, वैद्य, ज्योतिषी आदि। वाजसनेयी संहिता में लोहे के लिए श्याम अयस्क तथा जैमिनी ब्राह्मण में कृष्ण अयस्क का प्रयोग हुआ है, जबकि अथर्ववेद में तांबे को लोहित अयस्क तथा लोहे को श्याम अयस्क कहा गया है। इस काल में भवन निर्माण भी एक महत्वपूर्ण शिल्प था। भवन सामान्यतः काष्ठ निर्मित होते थे। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग भी प्रमुख था, क्योंकि कपास का उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि उड़ना यानी ऊन और सस यानी सन का उल्लेख कई बार हुआ है। बुनाई का काम स्त्रियां करती थी। कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेशस्करी कहा जाता है। आइए अब उत्तर वैदिक काल के नगर के बारे में जानते हैं। इन सब के अलावा उत्तर वैदिक काल में तैत्तिरीय अरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा हुई है, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत में हम केवल नगरों का आभास पाते हैं। हस्तिनापुर एवं कौसाम्बी को ही नगर की श्रेणी में रखा जा सकता है, परंतु ये भी आद्य नगरीय स्थल ही थे। चलिए अब बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज की। वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में समाज का आधार रक्त संबंध था। समाज की महत्वपूर्ण इकाई कुल थी। इस समय सामाजिक परिवर्तन हो रहा था और चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो रही थी। अब चारों वर्णों के बीच भेदभाव उत्पन्न होने लगा था। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में चारों वर्णों के कर्तव्यों, अधिकारों एवं स्थिति में विभेद किया जाने लगा। सरल शब्दों में कहें तो अब वर्ण व्यवस्था में जटिलता आने लगी तथा अब इसका आधार कर्म के स्थान पर जन्म आधारित हो गया। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए चार प्रकार के टीलों का उल्लेख है। चारों वर्णों के संबोधन भी पृथक मिलते हैं, जैसे ब्राह्मण के लिए एही यानी आइए, क्षत्रिय के लिए आगही यानी आओ, वैश्य के लिए आद्रव यानी जल्दी आओ एवं शूद्र के लिए आधाव यानी दौड़ कर आओ शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऊपर के तीन वर्णों को द्विज की स्थिति प्राप्त थी। द्विज का शाब्दिक अर्थ है दोबारा जन्म लेना। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का एवं वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते थे। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ जाने से ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। आरंभ में 16 प्रकार के पुरोहितों में ब्राह्मण केवल एक प्रकार के पुरोहित होते थे, किंतु धीरे धीरे ब्राह्मणों ने यज्ञ विधि के द्वारा सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर लिया। ब्राह्मण को वैदिक ग्रंथों में अदाई यानी दान लेने वाला, सोमपाई एवं इच्छानुसार भ्रमण करने वाला कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में लोहे के युद्ध अस्त्रों के कारण क्षत्रियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। वे क्षेत्र की रक्षा के लिए युद्ध करते एवं प्रजा से कर लेते थे। ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के मध्य आपसी प्रतिस्पर्धा भी होती थी, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण एवं काटक संहिता में एक जगह क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है, तो वहीं वाजसनेयी संहिता में ब्राह्मण को। उत्तर वैदिक काल में वैश्य को अन्यस्य बलिकृत कहा गया है। यह एकमात्र ऐसा वर्ग था जो उत्पादन के साथ कर की अदायगी भी करता था। शूद्र वर्ण की चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुई है। आगे उत्तर वैदिक ग्रंथों में शूद्र उसे कहा गया है जो दूसरों का संदेश वाहक हो, जिसे इच्छा होने पर तारण दिया जाए एवं जिसे किसी भी समय कार्य करने के लिए बाध्य किया जाए। शूद्रों को तीनों वर्णों का सेवक यानी अन्यस्य प्रेष्या कहा गया है, परंतु इस समय शूद्र को अस्पृश्य घोषित नहीं किया गया था। विभिन्न शिल्पियों में रथकार की स्थिति सबसे अच्छी थी। उन्हें उपनयन का अधिकार था। बच्चे, विधवा स्त्री एवं सन्यासी वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। आइए अब इस काल में गोत्र की अवधारणा के बारे में जानते हैं। गोत्र की अवधारणा पहली बार उत्तर वैदिक काल में आई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ गोष्ठ होता है, अर्थात वह स्थान जहाँ पूरे कुल का गोधन रखा जाता था, परंतु यह अर्थ कुछ समय के बाद बदल गया। अब एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति एक गोत्र के कहे जाने लगे। प्रारंभ में गोत्र की अवधारणा ब्राह्मणों के लिए थी। ब्राह्मणों के द्वारा ही क्षत्रिय और वैश्य को गोत्र प्रदान किए गए। मौलिक रूप से 7 गोत्र माने जाते हैं, जो विभिन्न ऋषियों के नाम पर हैं, जैसे कश्यप, वशिष्ठ, भृगु,
गौतम, भारद्वाज, अत्रि एवं विश्वामित्र। आठवां गोत्र अगस्त ऋषि का माना जाता है। वे अनार्यों के ऋषि भी माने जाते हैं। आगे चलकर एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति की ही गणना नहीं की जाती थी, वरन उस मूल पुरुष के पूर्वजों को भी ध्यान में रखा जाता था। सपिंड, सगोत्र आदि शब्दों पर विचार सूत्रकाल में होने लगा। इसी के साथ गोत्र बहिर्गमन की परिकल्पना आई है। आइए अब उत्तर वैदिक काल में परिवार की स्थिति पर भी नजर डालते हैं। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक था। पिता परिवार का प्रमुख होता था। इस काल में परिवार के मुखिया के अधिकारों में वृद्धि हुई। वह अपने पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था। आइए अब देखते हैं कि इस काल में नारी की क्या स्थिति थी। वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। अब सभा और समिति में उनके प्रवेश का अधिकार नहीं रहा। पुत्रों की तुलना में उन्हें संपत्ति से भी वंचित किया गया। साथ ही पुत्रियों के जन्म को हतोत्साहित किया गया। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्रों को परिवार का रक्षक एवं पुत्रियों को दुख का कारण माना गया है। फिर भी सूत्रकाल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति अच्छी ही थी। इस काल में मैत्रेयी एवं गार्गी परम विदुषी महिलाएं थीं। इस काल में स्त्रियां ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करती थीं। आइए अब इस काल के विवाह के बारे में जानते हैं। उत्तर वैदिक कार्यों में विवाह एक प्रतिष्ठित संस्था थी। विवाह एक आवश्यक कर्तव्य था। अविवाहित व्यक्ति को यज्ञ आदि करने का अधिकार नहीं था। सामान्यतः एक विवाह का प्रचलन था, परंतु अथर्ववेद के अनुसार पुरुषों में बहुविवाह का भी प्रचलन था। इस काल में विधवा विवाह का प्रचलन था। अथर्ववेद में विधवा के 10 बार तक पुनर्विवाह करने का उल्लेख है। तैतरीय संहिता में विधवा के पुत्र को दघिसत्य कहा गया है। इस काल में अंतरजातीय विवाह का भी प्रचलन था, किंतु आर्यवर्ण का दस्यु वर्ण के साथ वैवाहिक संबंध निषिद्ध था। राजा की प्रधान रानी महिषी कहलाती थी एवं अन्य रानियों को परिवृत्ति कहा जाता था। इस काल के भोजन या आहार में शाकाहार तथा मांसाहार दोनों प्रचलित थे, परंतु मांसभक्षण एवं सुरापान को नीची निगाह से देखा जाता था। आइए अब इस काल के मनोरंजन के साधनों के बारे में जानते हैं। इस काल में संगीत मनोरंजन का प्रमुख साधन था, जिसे विभिन्न वाद्ययंत्रों के सहारे बजाया जाता था। आमोद प्रमोद के साधनों में द्यूत क्रीड़ा का भी प्रमुख स्थान था। इसके अलावा रथ दौड़ एवं घुड़ दौड़ भी मनोरंजन के लोकप्रिय साधन थे। चौगान को काष्ट अथवा आजी कहा जाता था। मैत्रायणी उपनिषद में नट का उल्लेख मिलता है। इससे नाटक की विद्या के प्रचलन का साक्ष्य मिलता है। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में उत्तर वैदिक काल के नए पहलुओं के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें और हिस्ट्री से जुड़े सभी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।